दिवाली में आप सभी ने ये फटाके तो जरूर फोड़े होंगे, लेकिन आज उन फटाकों को कैसे बनाया जाता है ये भी जान लो। सबसे पहले ये आंटी कागज के रोल बनाती है। इस काम को आंटी कई सालों से कर रही है, इसलिए ये इस काम में एक्सपर्ट हो चुकी है। कागज के रोल्स बनाने के बाद उन्हें दूसरी जगह पर लाया जाता है, जहां पर इन्हें लाल कलर में भिगोया जाता है और सभी को एक सरीका किया जाता है। कलर करने के बाद इन सारे रोल्स को एक ही माप में कटिंग किया जाता है। इससे हमारे फटाके एक जैसे सुंदर दिखाई देते हैं और फिर इन सारे रोल्स को एक ही सांचे में डालकर अच्छी तरह से फिट किया जाता है। उसके बाद इन सारे पेपर ट्यूब में मिट्टी का क्ले भरा जाता है, जो काफी सावधानी से होता है क्योंकि क्ले की मात्रा सभी में बराबर भरनी होती है। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाकर इसमें मेन मसाला यानी बारूद भरा जाता है। और ये काम काफी रिस्की होता है क्योंकि आग की एक चिंगारी यहाँ पर सब कुछ तबाह कर सकती है। फिर भी ये वर्कर हमारे लिए अपनी जान पर खेलकर ये चीज बनाते हैं। इसके बाद इसके अंदर बारूद का धागा डालकर इसे पैकिंग के लिए रेडी कर दिया जाता है।